गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में इकाई का अंक के बारे में बताऊंगा। इकाई के अंक को अंग्रेजी में यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। अब इकाई का अंक होता क्या है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये एक नंबर है 2451। तो इसमें इकाई क्या है, इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक है एक। ये एक और नंबर 399, इसमें इकाई क्या है, 9 है। एक नंबर और मैं लिखता हूं कि भाई 411, इसमें इकाई का अंक क्या है, एक। उसके बाद में अगर मैं लिखूं 24 जमा 43 जमा 52 जमा 99 जमा 17, अगर मुझे इसमें फाइंड आउट करना हो कि इकाई का अंक क्या है, तो मैं जानता हूं कि 24 में इकाई का अंक 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 9 है और यहां 7 है। तो इन सभी का मैं सम कर दूंगा, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 9 18। 18 में इकाई का अंक 8 है, 18 और 7 25। अब इसमें इकाई का अंक हो गया हमारा 5। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, 1223 जमा 1957 1891 1425, इसमें मुझे इकाई का अंक देखना है। अब यहां पे इकाई का अंक 3 है, यहां 7 है, यहां 1 है और यहां 5 है। इन सभी का हम योग कर देंगे तो 3 और 7 यानी कि 10। 10 में इकाई का अंक 0 है, 0 में आप 1 को ऐड करोगे 1 और 1 में आप 5 को ऐड करोगे तो 6। तो इसमें इकाई का अंक कितना हुआ, 6। इसी तरीके से अगर हम गुणनफल में चेक करेंगे, इनको गुणा करेंगे हम आपस में, आप देख रहे हैं कि भाई ये 24 गुणा 43 गुणा 52 गुणा 99, हमें इसमें इकाई का अंक देखना है, हमें इसमें यूनिट डिजिट देखना है। तो यहां पे इकाई का अंक 4 है, यहां 3, यहां 2 और यहां 9। तो मैंने देखा कि 4 3 12, 12 में इकाई का अंक 2 है, 2 2 4 और 4 9 36 और 36 में इकाई का अंक क्या है, 6। क्लियर है। उसके बाद 1323 गुणा 1499 1955 768, हम देखते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो फिर से वही बात है कि जो इकाई है यानी कि यहां इकाई अंक 3 है, यहां 9 है, यहां 5 है और यहां 8 है, तो मैं इनको गुणा करूंगा। 3 9 27, 27 में 7 हुआ, 7 5 35, 35 में इकाई का अंक 5 हुआ और 5 9 48, 40 में इकाई का अंक क्या हुआ, 0। वैसे भी जब कभी भी किसी गुणनफल में 5 आ जाता है और उसके साथ एक समसंख्या आ जाती है तो इकाई का अंक हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है। समसंख्या वो होती है जो 2 से कटती हैं। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं, 1957 1344 1723 1402। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि भाई इकाई का अंक क्या है। फिर से हम देखेंगे कि भाई यहां 7, यहां 4, यहां 3 और यहां 2।
इन सभी के मैं आपस में गुणा करता हूं, तो 7 चौके 28, 28 में इकाई अंक है 8, 8 तिया 24, 24 में इकाई अंक है 4, और 4 दूनी 8, तो फाइनली इसमें इकाई अंक कितना आ गया, 8। तो क्लियर हुआ। दो तीन सवाल और बनाते हैं हम। अच्छा, कम दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। इसमें हमें इकाई अंक देखना है, तो फिर से वही कि भाई यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां 5। तो 1 और 2 यानी कि 3, और 3 6, और 4 10 में हो गया 0, और 0 में आप 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5। एक बार फिर से देखिए, 1 में अगर मैं 2 को जोड़ूंगा तो 3 हो गया, 3 में हमने 3 को जोड़ दिया तो 6 हो गया, और 6 में आपने 4 को जोड़ दिया तो 10 हो गया, यानी कि 10 में हमारा इकाई अंक हो गया 0, और 0 में आपने 5 को ऐड करा तो 5 आ गया। क्लियर है? उसके बाद 21 गुणा 33 गुणा 49 गुणा 57 गुणा 78। अब हम देखेंगे कि भाई इसमें यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे कि भाई यहां पे इकाई अंक 1 है, यहां 3 है, यहां 9 है, यहां 7 है और यहां 8 है। इन सभी को मैं आपस में गुणा करता हूं, 1 तिये 3, तो 3 आ गया, 3 निम 27, 27 में इकाई अंक 7 है, 7 सत्ते 49 में इकाई अंक 9 है, और 9 ठे 72। और आप जानते हैं कि 72 में इकाई अंक क्या है, 2। क्लियर है? उसके बाद कुछ और सवालों की तरफ हम चलते हैं। और किस तरीके के सवाल यूनिट डिजिट में पूछे जाते हैं, वो आप देख रहे हो कि भाई ये है 7 की पावर 42, 7 की पावर 42। अब यहां पर इकाई अंक क्या आएगा? अब देखो भाई, 7 की पावर 42 यहां पे इकाई अंक क्या आएगा, तो हमें यहां करना क्या होता है कि जो पावर है वहां पर हम 4 का भाग देते हैं। अब आप पूछोगे कि जी 4 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि जो हम इसको लिखना शुरू करेंगे कि भाई 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 49, 7 की पावर 3 होता है 343, और 7 की पावर 4 यानी कि 343 में अगर मैं 7 की गुणा कर दूं तो 7 तिये 21, 2 7 चौके 28 और 2 30, 7 तिये 21 और 3 24। अब आप देखोगे अगर यहां से मैं आगे बढ़ूंगा, 7 की पावर 5 में जाता हूं तो 7 की पावर 4 हुआ था 2401, और इसमें आपने 7 की गुणा करी तो 7 एकम 7, 7 जीरो 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 16। तो आपने क्या देखा कि भाई 7 की पावर 1 7 था, 7 की पावर 2 49 यानी उसमें इकाई अंक 9 था, 7 की पावर 3 उसमें इकाई अंक 3 था, 7 की पावर 4 उसमें इकाई अंक क्या था, 1, और 7 की पावर 5 रखने के बाद में फिर से इकाई अंक क्या आ गया, 7, यानी कि यहां से रिपीट होना शुरू हो गया है। क्लियर है? यानी कि 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। अब हमें यहां पर कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि जो हमारे नंबर होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5, 6 7 8 9। ठीक है, अब यहां पर 0 1 5
और 6, ये चार ऐसी संख्याएं हैं जिसमें इकाई अंक हमेशा वही आता है। आप देखोगे कि भाई जीरो में इकाई अंक हमेशा जीरो ही आएगा, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो। एक में इकाई अंक हमेशा एक ही आएगा, उसकी पावर कुछ भी रही हो। और यही 5 और 6 के साथ में होएगा। उसके बाद में एक स्पेशल रूल होता है 4 तथा 9 का। इसमें क्या है भाई, इसमें आप देखोगे कि अगर 4 की पावर मैं कोई भी विषम संख्या लूंगा तो इकाई अंक हमेशा 4 ही आएगा, और 4 की पावर कोई भी सम संख्या यानी कि इवन नंबर में लूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 6। ठीक है, और ये आगे भी जू का तू जारी रहेगा कि 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा, 4 की पावर सम है तो इकाई अंक कितना आएगा, 6। इसमें रटने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद 9 के साथ में क्या है कि 9 की पावर आप अगर विषम संख्या लोगे, ऑड नंबर लोगे, तो इकाई अंक हमेशा 9 आएगा, और 9 की पावर अगर आप सम संख्या यानी कि इवन नंबर लोगे तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है जी, अब हमारे जो बाकी के नंबर बचे हैं वो बचे हैं 2, 3, 7 तथा 8। अब हम देखते हैं कि भाई अगर 2 की पावर 1 होगा तो इकाई अंक हमेशा 2 आएगा, 2 की पावर 2 होगा तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा, 2 की पावर 3 होगा तो इकाई अंक हमेशा 8 आएगा, और 2 की पावर 4 होगा तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 में इकाई अंक क्या है, 6। उसके बाद अगर 3 की पावर 1 होगा तो इकाई अंक हमेशा 3 आएगा, 3 की पावर 2 होगा इकाई अंक हमेशा 9 आएगा, 3 की पावर 3 होगा तो इकाई अंक यानी कि 27, तो 7 आएगा। 27 में इकाई अंक क्या होता है, 7। 3 की पावर 4 होता है 81, तो इकाई अंक क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ये सभी वो अंक हैं, सभी वो संख्याएं हैं, सॉरी अंक नहीं संख्या बोलूंगा, ये सभी वो संख्याएं हैं जिनमें साइकिल सिटी हमेशा 4 की बनती है। तो 7 की पावर 1 यानी कि 7, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 7 की पावर 2 यानी कि 49, इकाई का अंक 9 आएगा, 7 की पावर 3 343, इकाई का अंक 3 आएगा, और 7 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 8 की पावर 1, 8 होता है, 8 की पावर 2 यानी कि 64, इकाई का अंक 4 आएगा, 8 की पावर 3 512, इकाई का अंक 2 आएगा, 512 में इकाई का अंक क्या है, 2, और 8 की पावर 4 इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई 8 की पावर 3 होता है 512, उसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 2, और 512 में जब आप 8 की गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक 6 आएगा। क्लियर है, चलो जी, अब इस आधार पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये सवाल मैंने आपके पास में लिखा था कि भाई 7 की पावर 42, शायद यही था। एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं कि 3 की पावर 49, और 7 के साथ 1 हो गया अपना 8 की पावर 123। ठीक है जी, अब मैं इन सभी में इकाई अंक प्राप्त करता हूं। अभी हमने देखा था कि भाई 7 की पावर 42 है, तो 42 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा, 42 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 2 शेष बचेगा, और हम बोल सकते हैं कि भाई 7 की पावर 2 कितना होता है जी, 49, और 49 में इकाई अंक क्या होगा, 9। ठीक है, 3 की पावर 49, ठीक है भाई, 3 की पावर 49, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई हमें यहाँ 3 की पावर 49 इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए 3 की 3 में 49 बार गुणा करनी पड़ेगी। हमने केवल 49 में 4 से भाग दिया तो हम जानते हैं 12 चौके 48 यानी कि 1 बच गया, और 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 3,
तो इकाई का अंक 3 ही आएगा। 8 की पावर 123, 8 की पावर 123, तो इसमें हम करेंगे क्या, हमें पूरा 123 में 4 का भाग नहीं देना, हमें केवल 23 में 4 का भाग देना है, क्योंकि गणित में एक 4 का रूल होता है कि कितनी ही बड़ी संख्या हो अगर वो 4 से डिवाइड होगी तो बाद के दो अंकों को 4 से काट के देख लेना है। अब मैंने देखा कि 23 में अगर मैं 4 का भाग देने लगूं तो 4 × 5 = 20, तो कितना शेष बचा जी, 3, तो मैं बोलूंगा जी ये तो 8 की पावर 3 है, जिसका मतलब होता है जी 512, और 512 में इकाई का अंक क्या हो गया, 2। क्लियर है? और कुछ सवाल हम इसमें देख लेते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन, जैसे कि ये हो जाए 1344 की पावर 923 में हमें इकाई का अंक प्राप्त करना है। 1999 की पावर 1299 इसमें इकाई का अंक हमें प्राप्त करना है। 1266 की पावर 1322 इसमें इकाई का अंक बताओ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अब 1344 में इकाई क्या है, 4, ठीक है? तो 4 का रूल क्या होता है कि अगर 4 की पावर विषम है, 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 4 आता है। इसी तरीके से अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 9 आता है, ठीक है? 6 में हमेशा 6 की पावर कितना भी हो, 6 की पावर कितना भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। क्लियर है भाई? उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं यहां पे लिखूं, 1225 की पावर 197। अब आप जानते हैं कि भाई 5 भी वो नंबर है कि जिसमें इकाई का अंक हमेशा 5 ही आता है। क्लियर है? और कुछ सवाल हम इस आधार पे देखते हैं। जैसे हमने देखा 111 की पावर 444, एक क्वेश्चन है 2020 की पावर 599, ये है 999 की पावर 423, चार सौ चौरानवे की पावर 195। अब हमें पता है कि अगर एक है, ठीक है, अगर इकाई एक है और उसकी पावर कुछ भी रहा हो तो इकाई का अंक हमेशा एक आएगा। अगर यूनिट जीरो है और उसकी पावर कुछ भी रहा हो, यूनिट डिजिट जीरो है तो उसकी पावर कुछ भी रहा हो तो इकाई का अंक हमेशा जीरो ही आएगा। नौ की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। इसमें हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जब 4 और 9 की बात आती है तो हम देखो आराम से देख सकते हैं कि अगर 4 की पावर 1 है तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 यानी कि सम संख्या है तो 16, तो 6 आएगा। इसी तरीके से 9 की पावर 1 यानी कि 9 आएगा, 9 की पावर अगर सम संख्या है 81 यानी कि इकाई का अंक 1 आएगा। क्लियर है? अब वही बात आ गई भाई, 4 की पावर क्या है, विषम संख्या है, तो 4 की पावर 1 = 4 होता है, तो इकाई का अंक क्या गया, 4। क्लियर है? और कुछ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं इसमें। कुछ क्वेश्चन इसमें इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि 777 की पावर 923 प्लस
1333 की पावर 1297 और 82 की पावर 1301, इसमें हमें इकाई अंक देखना है। एक और सवाल मैं लिखता हूं, 494 की पावर 1100 199 की पावर 232 666 की पावर 1325, इसमें भी इकाई अंक हमें देखना है। ठीक है, अब देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 7 की पावर 23 है। ठीक है, 23 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 से मेरे को भाग देना है और 4 का रूल ये बोलता है कि किसी भी नंबर में बाद के जो दो डिजिट हैं उनको 4 से भाग दिया जाए। अब 7 की पावर 23 है, अगर 23 को मैंने 4 से भाग दिया तो 4 × 5 = 20, तो ये कितना बच गया जी, इसको मैं बोल सकता हूं 7 की पावर 3 जमा 3 की पावर 97। तो 97 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 24 × 96, तो इसको बोल सकता हूं मैं 3 की पावर 1, क्योंकि 1 से इस बच गया। 97 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 24 × 96 होते हैं, 1 ही शेष बचेगा। उसके बाद मैंने देखा कि 2 की पावर कितना है, 01, क्योंकि बाद के दो अंक ही मुझे लेने हैं तो 2 की पावर 1 बोल दूंगा। अब देखो बहुत आसान है, 7 की पावर 3 होता है 343, दिखाई दे रहा है, 7 की पावर 3 होता है 343। कोई बात नहीं, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ी देर के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा देता हूं, दोबारा लिख देंगे। 7 की पावर 3 343 जमा 3 की पावर 1 यानी कि 3, 2 की पावर 1 यानी कि 2। ठीक है, अब आप देखोगे जब मैं इनका जोड़ करूंगा, 343 में इकाई 3 ही है, तो 3 और 3 6 और 2 8, तो इसमें फाइनली इकाई अंक क्या गया, 8। एक सवाल और हम देखते हैं, चार सौ 495 की पावर 4243 प्लस 1654 की पावर 1323 599 की पावर 402 में इकाई का अंक हमको देखना है। ठीक है, इसमें हमें यूनिट डिजिट प्राप्त करना है। 5 यहां पे इकाई है, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही होता है। अगर 4 की पावर विषम है, ऑड है, तो इकाई का अंक 4 ही होता है। 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक, सॉरी यहां पे प्लस था, ठीक है, 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। इन सभी का मैं योग करूंगा, 5 × 4 = 9 और 1 = 10, ठीक है, और 10 में इकाई का अंक क्या हो गया, 0। क्लियर है? उसके बाद फिर से कोशिश करते हैं, बहुत ही धीमे धीमे पढ़ना भाई, एक चीज को इस तरीके से क्लियर करना है कि वहां से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए तो फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आए। एक बार फिर से देखो आप, 1377 की पावर 294 जमा 923 की पावर 111
402 की पावर 209 हमको बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या है। ठीक है, हमें प्राप्त करना है इसमें इकाई का अंक क्या है। 7 की पावर, केवल देखो मैं 94 को देखूंगा, क्योंकि 94 को जब मैं 4 से भाग दूंगा, ठीक है, 94 को 4 से भाग दूंगा मैं, क्योंकि 4 का रूल ये बोलता है कि किसी भी संख्या में केवल बाद के जो 2 डिजिट हैं उनको हमें 4 से भाग देना होता है। तो 94 में जब आप 4 से भाग दोगे तो 4 × 2 = 8 कितना हो गया जी, 14, 4 × 3 = 12, यानी कि 2 शेष बच गया। ठीक है, 3 की पावर 111, फिर से 11 में मैं अगर 4 से भाग दूंगा तो 4 × 2 = 8, 3 शेष बच गया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं, फिर से देखिए, 11 में मैं अगर 4 का भाग दूंगा, 4 × 2 = 8 और 3 = 11। ठीक है, तो 3 की पावर 3, अगर 9 में मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 × 2 = 8, 1 शेष बचेगा। अब देखिए, 7 की पावर 2 यानी कि 49 में इकाई का अंक 9 है, 3 की पावर 3 यानी कि 27 में इकाई का अंक 7 है, 2 की पावर 1 में इकाई का अंक 2 है। तो मैं देखूंगा कि 9 और 7 16 और 2 18, 18 में इकाई का अंक क्या है, 8। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, आजकल एग्जाम में फैक्टोरियल के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो फैक्टोरियल है क्या, जैसे मैं कहूं कि भाई ये है 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1, तो इसको मैं बोल सकता हूं 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 1 = 24। ठीक है, यानी कि उसको गुणा करके एक का एक तक ले जाना होता है, 3 × 2 × 1, 3 × 2 = 6। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1 = 2। उसी प्रकार से 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होगा। अगर इससे ऊपर हम चलते हैं, अगर इससे ऊपर हम चलते हैं, आप देखोगे कि भाई 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इन सभी का मतलब 0 हो जाएगा। 4 से ऊपर फैक्टोरियल का मान हमेशा 0 होता है। कैसे? क्योंकि मैं इसे लिखूंगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आपने देखा कि 5 × 20 और 20 में 0 आ गया, अगर 0 का मैं सभी में गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, इकाई के अंक के केस में, ठीक है, इकाई के अंक के केस में 0 ही आएगा। जैसे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अब आप देखोगे कि भाई जब ये 6 × 5 = 30 हो जाएगा और उसमें आगे कितने ही गुणा हो तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। तो इस आधार पर भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये हो गया 924 फैक्टोरियल की पावर 129 प्लस 1443 की पावर 149। अब मुझे इसमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। अब 924 हमारा मतलब केवल 4 फैक्टोरियल से है, हमारा मतलब केवल 3 फैक्टोरियल से है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 4 फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, कि भाई 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। ठीक है, 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, 24 में इकाई का अंक क्या है, 4, और 4 की पावर है 29। ठीक है, यानी कि 4 × 7 = 28, तो मैं बोल सकता हूं ये हो गया 4 की पावर 1। ठीक है, इसी प्रकार से 3 फैक्टोरियल, तो मैं बोलूंगा 3 × 2 × 1, यानी कि 3 × 6, और ये है 6 की पावर 149,
जिसमें मैं 49 को 4 से भाग दूंगा तो 12 चौके 48 एक, ठीक है। तो 4 की पावर एक यानी कि विषम संख्या है, 4 ही आएगा, और 6 की पावर में हमेशा 6 ही आता है, ठीक है। तो कितना हो गया 10, और 10 में इकाई अंक क्या आ गया 0, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल की पावर 1394, 4 फैक्टोरियल की पावर 111, 3 फैक्टोरियल की पावर 123 में इकाई अंक हमें बताना है। अब देखो, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 × 20, तो यानी 0 बन गया भाई। 5 × 20 आप इसमें कितनी ही लंबी गुणा करोगे तो ये इकाई इसमें 0 बन जाएगा, और 0 की पावर कुछ भी होएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। इसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो 24 में इकाई अंक हो गया 4, और 4 की पावर अगर विषम है तो 4 ही आएगा, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 = 6, और 6 की पावर अगर कुछ भी होगा तो 6 ही आएगा भाई। तो ये हो गया 6 × 4 = 10, और इसमें इकाई अंक क्या हो गया 0, ठीक है। तो भाई आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर करो, और कल अगली क्लास में इकाई के अंक में हम अधिकतर उन सवालों को शामिल करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। धन्यवाद।